भारत के किसी गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। वैसे तो गांव के सभी लोग गरीब थे, अपना गुजारा खेती करके चलाते थे। इसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का भी रहता था। माँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। अपने गांव में या आसपास के गांव में कोई स्कूल नहीं है, तो कैसे पढ़ोगे? शहर भेज दो मुझे पढ़ने के लिए। शहर में पढ़ने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए, और हम लोग तो गरीब हैं। तो मैं कैसे पढ़ूंगा? बेटा, कुछ काम धंधा करो। मोहन गांव में स्कूल ना होने और गरीबी के कारण से पढ़ लिख नहीं सका। वह अपनी माँ के साथ बाजार में जाता और वहां देखता कि बहुत सारे लोग फल, सब्जियां, मसाले, कपड़े, तरह तरह की चीजें बेचने को लाते थे और बेचकर वह लोग पैसा कमाते थे। उसकी माँ अपने साथ हल्दी और मिर्च लेकर जाती थी और उसे बेचकर सूखा मसाला पाउडर लेकर आती थी। मोहन ने देखा कि गांव के लोगों के लिए उस मार्केट में जाने के लिए कोई सवारी नहीं है, तो उसने कर्ज लेकर घोड़ा गाड़ी खरीदा और उसमें सवारी ढोने का काम करने लगा, जिससे गांव के सभी लोग खुश हो गए और मोहन के टमटम में बैठकर जाने आने लगे। मोहन अपने टमटम को गांव से निकालते और चिल्लाते हुए जाता था, मार्केट मार्केट चलो, बाजार बाजार, 10 रुपए सवारी, 10 रुपए सवारी। उसने धीरे धीरे करके अपने ब्याज वाले का कर्ज चुका दिया और उसने सोचा, रोज सुबह घोड़ा गाड़ी लेकर जाता हूँ और शाम को आता हूँ। बेकार में 4-5 घंटे बैठा ही रहता हूँ मार्केट में। इस समय का कोई प्रयोग नहीं हो रहा, कुछ तो करना ही चाहिए। एक दिन वह अपनी माँ के साथ बाजार गया। माँ घर से हल्दी धनिया लेकर बाजार गई और बदले में मसाला खरीदकर वापस लाई। माँ, जब हमारे पास हल्दी धनिया है तो उसको हम घर पर पाउडर बना सकते थे। उसको बेचकर मार्केट से पीसा हुआ पाउडर क्यों लेकर आई? बेटा, हमारे पास उसके लिए मशीन नहीं है जिससे हम पीस सके, और बना बनाया पाउडर से खाना जल्दी बन जाता है। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, मसाला पीसने की एक मशीन डाल देता हूँ। फिर तुम्हारे घोड़ा गाड़ी का क्या होगा? उसे कौन चलाएगा? माँ, मैं 6 घंटे सवारी के इंतजार में शाम को आता हूँ, इसलिए 6 घंटे के समय का उपयोग मसाले बनाने के काम में करूँगा और हर दुकान में जाकर बेच दूंगा। ठीक है बेटे, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो। बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा, हर माँ का आशीर्वाद अपने बेटे के साथ हमेशा होता है। मेरा भी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मसाला पीसने वाली मशीन के बारे में पता किया। क्या चाहिए भाई? मसाला पीसने वाली मशीन चाहिए भैया। कौन सा चाहिए? बढ़िया वाला चाहिए। ये वाला 50,000 का है। 50,000 तो बहुत ज्यादा है, कम से कम कितना लगेगा? कम से कम 45,000 होगा, इससे कम 1 रुपया भी नहीं होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, पर मैं आपका पैसा जल्दी ही चुका दूंगा। मुझे उधार चाहिए भैया। देखो भाई, उधार तो नहीं दे सकता। आप मेरे साथ पार्टनर बन जाओ, 50-50। मुझे इन सब में नहीं पड़ना है भाई, तुम किसी और दुकान से ले लो। ठीक है भैया, अगर मैं आपको पैसा नहीं लौटा पाया तो मेरा घोड़ा गाड़ी रख लेना। सोच लो, बाद में मत कहना, घोड़ा गाड़ी और ये मशीन भी ले लूंगा। मंजूर है भैया। मोहन मसाला पीसने वाले एक कारीगर से मिला। तुम कितना पगार लोगे? मैं महीने का 3,000 लूंगा। चलो ठीक है, पर काम ईमानदारी से करना। बहुत ही ईमानदार आदमी हूं, 8 घंटे पूरे के पूरे काम। इसके बाद मोहन सुबह टमटम चलाता और शहर में मसाला पीसने वाली मशीन में शाम तक मेहनत करता। दूसरे दिन उसने और उसकी माँ ने मिलकर मसाले को पैकेट में भरा, उसे लेकर अलग अलग दुकानों में जाकर बेचने लगा। धीरे धीरे MGH मसाला हर दुकान में मिलने लगी।
मोहन अच्छी क्वालिटी का मसाला बनाता था, जिसकी वजह से बहुत जल्दी फेमस हो गया। दूसरे राज्यों से भी मोहन के मसाले की मांग होने लगी। इसी तरह पूरे देश में MGH मसाले प्रसिद्ध हो गए। आज वही मोहन अरबपति हो गया। समय की कीमत जो पहचानते हैं उसको दुनिया पहचानती है। भदनपुर नाम का एक गांव था, जिसमें भीखनलाल नाम का एक गरीब किसान अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ रहता था। खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन खेत में अचानक आग लगने के कारण उसकी सारी फसल जल जाती है, जिसके कारण वो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाता है। सुनते हो जी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। बच्चों ने दो दिन से कुछ नहीं खाया है। बनिया ने सामान उधार देने से बिल्कुल मना कर दिया है। तुम जाकर बड़े भाई से कुछ पैसे उधार ले आओ। ठीक है, मैं जाकर लेकर आता हूँ। भाई, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। मुझे कुछ पैसे दे दो। ठीक है, तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। कहाँ से लाओगे? पैसे क्या पेड़ पे लगे हैं? तुम्हारे भाई की तो आदत है, जब देखो मांगने चला आता है। अरे कुछ तो दे दो, इसके बच्चे भूखे हैं, आखिर मेरा ये भाई है। रुको, लाती हूँ, इतनी भी बुरी नहीं हूँ। ये लो, इससे तुम्हारे बच्चों का पेट भर जाएगा। भीखनलाल कुछ नहीं बोलता है और अपने आंसू पोंछते हुए घर से बाहर निकल जाता है। घर जाने के रास्ते में एक पेड़ होता है और वो निराश होकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति पहले से ही बैठा हुआ होता है। क्या बात है भाई, इतने उदास क्यों हो? भीखनलाल उसे अपने साथ हुई पूरी व्यथा उसको बताता है। उसकी भाभी ने जो दो मालपुआ दी थी उसको दिखाता है। बूढ़ा व्यक्ति मालपुआ देखकर बोलता है, बेटा मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे भूख लगी है। भीखनलाल सोचता है कि दो मालपुआ से किसी का पेट नहीं भरेगा, तो कम से कम इस बूढ़े व्यक्ति को दे देता हूं, कुछ तो भूख इसकी मिटेगी। और वो मालपुआ उसको दे देता है और वो बूढ़ा व्यक्ति तुरंत वो मालपुआ खा लेता है। भीखनलाल उठकर अपने घर की तरफ जाने लगता है, तभी वो बूढ़ा व्यक्ति उसे जाने से रोकता है। बेटा तुमने बच्चों का निवाला मुझे खिलाया है, ये कटोरी तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का पेट भरेगी। इस बूढ़े व्यक्ति ने भीखनलाल को बताया कि ये कटोरी नमक देती है, रोज इस कटोरी से नमक निकालकर जीवन यापन कर सकता है, लेकिन वो इस कटोरी से इतना ही नमक मांगेगा जितना पैसा प्रतिदिन उसे और उसके परिवार की जरूरत पूरी हो सके। उसके बाद उसे लाल कपड़े से ढक देगा जिससे नमक निकलना बंद हो जाएगा। बस भीखनलाल रोज यही करता, उसे जितनी जरूरत होती उतना ही नमक निकालता और वो उसे ढक कर रख देता। और इस तरह भीखनलाल की जिंदगी बहुत मजे से कट रही थी। बहुत दिन हो गया, भीखनलाल आया नहीं। चलो चलती हूँ, उसने जो उधारी लिया था वो ही मांगकर वापस लेकर आती हूँ। भीखनलाल की भाभी समझ जाती है कि ये जादुई कटोरी है और वो वहां से तुरंत वापस आकर अपने पति को बताती है और उससे कहती है, सुनो जी, मुझे कैसे भी करके वो कटोरी ला कर दो, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। फिर एक दिन मौका देखकर दोनों मिलकर कटोरी चुरा लेते हैं। चोरी पकड़ी ना जाए इसके लिए वो अपने पति को लेकर कुछ दिन के लिए अपने मायके जाने लगती है, चूंकि उसका मायका दूसरे गांव में था, इसलिए दोनों नदी के रास्ते एवं नाव से जाते हैं। नाव में बैठी भाभी बहुत खुश थी और जल्द से जल्द वो कटोरी का जादू देखना चाहती थी, इसलिए उसने सोचा क्यों ना अभी गांव पहुंचने में वक्त है
नाव पर ही एक बार इस कटोरी का जादू देख लो। और वो कटोरी को निकाल कर बोलती है, हे जादू वाली कटोरी, मुझे भी नमक दो। और इतना बोलते ही कटोरी से नमक निकलना शुरू हो जाता है और नमक का ढेर लगने लगता है। वो और उसका पति घबराने लगता है कि नमक निकलना कैसे बंद हो, और फिर धीरे धीरे पूरी नाव नमक से भर जाती है। ज्यादा भार होने के कारण नाव पानी में डूब जाती है और दोनों उसी में डूब जाते हैं। भीखनलाल की भाभी नमक निकलते हुए तो देख ली थी, पर बंद कैसे करना है वो नहीं देखी। तो बच्चों, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा होता है। कहते हैं कटोरी से नमक आज भी निकल रहा है, इसलिए समुद्र का पानी आज भी खा रहा है।